हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कैसे आप लोग रिसेट पासवर्ड डिस्क बना सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम कभी भी अपना विंडोज का पासवर्ड भूल जाते हैं तो होता क्या है कि या तो हम लोग दूसरे के पास जाते हैं कि भैया पासवर्ड हम भूल गए हैं, तो क्या काम करता है कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ा देता है या नया ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड कर देता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने पासवर्ड को रीसेट करेंगे अगर हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं। तो दोस्तों मात्र यह काम एक चुटकी में होगा और यह काम हम लोग एक पेन ड्राइव के माध्यम से यूएसबी से करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले भी हम पासवर्ड के ऊपर, पासवर्ड रीसेट के ऊपर 2 से 3 वीडियोस बना चुके हैं या प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी को लेकर के, आप आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए चले चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए सबसे नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने अपने कंप्यूटर को ओपन किया हुआ है और मेरे यहाँ कंप्यूटर में 3 ड्राइव बनी हुई है। तो चलिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले मैं यूएसबी या पेन ड्राइव को इंसर्ट कर लेता हूँ और जैसे ही इंसर्ट करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिमूवेबल डिस्क लिख के आ रहा है और कोई भी आप मेमोरी यूज कर सकते हैं, 2 GB, 4 GB, 16, 32 GB, जिस प्रकार से हो। तो मेरे पास यहाँ 16 GB की पेन ड्राइव है और इसको हम एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे टेबल नाम का एक फोल्डर बना हुआ जो कि मेरा पर्सनल डेटा है। चलिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, आपको कंट्रोल पैनल पे आना है। हम स्टार्ट बटन से चले जाते हैं। स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद कंट्रोल पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रिएट अ पासवर्ड रीसेट डिस्क, इस पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ से हम अपना जो भी पेन ड्राइव लगाए रहेंगे उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, तो मेरा सेलेक्ट है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करा है करेंट यूजर अकाउंट पासवर्ड, जो भी हमारा यूजर अकाउंट था उसका पासवर्ड हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो अभी मैं टाइप कर देता हूँ कुछ भी जो हमारा पासवर्ड है, उसके बाद हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कह रहा है देयर इज ऑलरेडी अ पासवर्ड रीसेट डिस्क, ऐसा इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हम इसको यस कर देते हैं और ये प्रोसेस करने लगेगा। अगर आपके पास पहले से नहीं पड़ा होगा तो कोई ऑप्शन नहीं देगा। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिनिश पर जाएंगे। फिनिश पे जाने का चलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं और देखिए हम अपने यूएसबी पेन ड्राइव में आ गए और यहाँ पे जरा यूजर की डॉट psw नाम की एक फाइल आ गई। मैं बैक करके एक बार दिखा देता हूँ। चलिए फिर से अपने रिमूवल डिस्क को ओपन करते हैं और देखिए इस प्रकार से यहाँ एक फाइल दी हुई है। चलिए अब हम एक काम करते हैं। तो दोस्तों हम अपने यूजर अकाउंट पे आ गए हैं और अब हम एक काम करते हैं, इसमें कुछ भी पासवर्ड भी टाइप कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दे रहा था यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ओके करते हैं। और नीचे देखिए दे रहा है यहाँ पर रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन, देखिए हम एक बार इस पर पहले क्लिक करके चेक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया कर रहा है द फीचर रिक्वायर रिमूवल मीडिया सच एज फ्लॉपी और यूएसबी, मतलब यह कि इंसर्ट नहीं है, आप उसको पहले इंसर्ट करिए। चलिए मैं यहाँ से इसको पहले ओके कर देता हूँ फिर इंसर्ट करता हूँ। हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब हम क्या काम करते हैं, रीसेट पासवर्ड पे चलते हैं। उस पर जाने के बाद अब यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से एक विजार्ड खुल के आएगा, हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर से कह रहा है अपने जो भी यूएसबी है उसको सेलेक्ट करिए, हालांकि बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब क्या कर रहा है यहाँ पे टाइप अ न्यू पासवर्ड, मैं अभी कुछ पासवर्ड टाइप कर देता हूँ अपने हिसाब से। और यहाँ से हम क्या करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर फिनिश पे, और जो भी हमने पासवर्ड डाला इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से मेरा लॉगिन हो जाएगा।